नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A55 5G versus OnePlus Nord CE 4 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A55 5G में 6.34 इंच जबकि CE 4 5G में 6.4 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो A55 5G में 3.05 इंच जबकि CE 4 5G में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि A55 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो A55 5G में 0.32 इंच जबकि CE 4 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि A55 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो A55 5G में 213 ग्राम जबकि CE 4 5G में 186 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A55 5G में सुपर AMOLED जबकि CE 4 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो A55 5G में 19:5:9 जबकि CE 4 5G में 20:1:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A55 5G में 6.6 इंचेस जबकि CE 4 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A55 5G में 1080x2340px FHD+ और CE 4 5G में 1080x2412px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A55 5G में 85.57% जबकि CE 4 5G में 88.57% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A55 5G में 390 पिक्सेल प्रति इंच जबकि CE 4 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A55 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और CE 4 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A55 5G में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और CE 4 5G की बात करें तो उसमें 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A55 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और CE 4 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A55 5G में AMD Eclipse 530 जबकि CE 4 5G में Adreno 720 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A55 5G में Samsung Exynos 1480 और CE 4 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 मिलता है। बात करें रैम की तो A55 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की रैम मिलती है जबकि CE 4 5G में एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 विकल्प देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी A55 5G में 5000 mAh जबकि CE 4 5G में 5500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो A55 5G में 3 कलर्स जबकि CE4 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A55 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 38,810 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 47,900 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 45,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें CE4 5G की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 24,993 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy A55 5G में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें OnePlus Nord CE4 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में A55 5G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में A55 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 Pro 5G है, दूसरा Samsung Galaxy S24 5G है, तीसरा Google Pixel 8a 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Motorola H50 Fusion 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।